अस्सलामुअलैकुम। हम आज बनाने वाले हैं एगलेस चॉकलेट मूस। तो एगलेस चॉकलेट मूस बनाने के लिए सबसे पहले हमें डार्क चॉकलेट लगेगी। तो ये मैंने डार्क चॉकलेट कंपाउंड ले ली है, ये इतनी पूरी यूज़ नहीं करेंगे, इसमें से हम सिर्फ जितनी हमें लगेगी उतनी हम यूज़ करेंगे। हम इसको एगलेस बना रहे हैं। अगर आप एग के साथ बनाना चाहें तो 4 एग योल्क ले लें और उसको डबल बॉयलर में बॉईल करके भी आप चॉकलेट मेल्ट करके उसमें मिला सकते हैं। तो ये देखिए, ये एक पीस 100 ग्राम्स का होता है, तो मैंने 70 ग्राम इसमें से ली है चॉकलेट और 30 ग्राम रख दी है। अगर लगी तो बाद में हम यूज़ करेंगे। 2 टेबलस्पून अनसॉल्टेड बटर डालेंगे और इसको डबल बॉयलर में मेल्ट कर लेंगे, या ओवन में या माइक्रोवेव में भी आप मेल्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, चॉकलेट हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। ये मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है, 1/2 कप व्हिपिंग क्रीम को व्हिप कर लिया है। मैंने अपनी केक के वीडियो में बताया है व्हिपिंग क्रीम को कैसे व्हिप करना है। तो जैसे हम केक के लिए क्रीम को व्हिप करते हैं उसी तरह से व्हिप कर लिया है मैंने, और उसमें हम ये मेल्ट की हुई चॉकलेट डाल देंगे। पहले आधी डाली है मैंने, अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाए। बेल आइकन को दबाने से मेरी आने वाली हर नई रेसिपीज़ की वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने मिलेगी। तो ये देखिए, जो मैंने आधी बचाई थी वो भी डाल दी है। तो मुझे चॉकलेट थोड़ी कम लग रही है, अगर आपको इतनी चॉकलेट परफेक्ट लगती है तो आप इतनी भी रख सकते हैं। तो जो मैंने 30 ग्राम चॉकलेट बचा कर रखी थी उसमें मैंने 1 टेबल स्पून बटर डालकर उसको भी मेल्ट कर लिया है। तो इसको भी हम इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, ये टेक्सचर अभी बिल्कुल सही है और इतना कलर सही लग रहा है मुझे चॉकलेट का। तो इसको कोई भी पाइपिंग बैग या इस तरह की बॉटल में आप डाल दें ताकि ड्रिजल करना आसान हो जाए। तो मैंने सर्विंग बोल ले लिया है, इसमें हम हमारे चॉकलेट मूस को डाल देंगे और ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। बट आप इसको बिल्कुल ठंडा और चिल्ड सर्व कीजिएगा, तभी इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप चाहे तो इसको आइसक्रीम की तरह जमा कर भी खा सकते हैं फ्रीज में। तो ये देखिए, मैं इसको केक नाइफ से थोड़ी फिनिशिंग दे रही हूँ। आप चाहे तो नोज़ल वगैरह यूज़ करके उससे भी आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जो मैसी हो गया उसको क्लीन कर लेंगे और इसको हम फ्रीज में रख देंगे 2 घंटों के लिए, ताकि ये सेट भी हो जाए और अच्छी तरह से चिल्ड भी हो जाए। तो ये देखिए, 2 घंटे बाद ये अच्छी तरह से सेट भी हो चुका है और ठंडा भी हो चुका है। तो चॉकलेट स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर, अगर आप करना चाहे तो करें, चोको चिप्स स्प्रिंकल कर दें या फिर व्हिपिंग क्रीम डाल दें। और ये शुगर बॉल्स लिए हैं मैंने, लुक वाइज थोड़ा अच्छा लगेगा ये। तो ये देखिए, हमारा एगलेस चॉकलेट मूस बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।